रॉयल इंग्लिश स्कूल भकुड़ा आरा में छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कि अगर हर एक घर में इस तरह का सिस्टम लगा दिया जाए तो ग्राउंड लेवल वाटर जो आज हमारा कम हो जाता है गर्मियों के दिन में, या जैसा कि कुछ दिन पहले हमने सुना कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पानी की इतनी कमी हो गई कि लोग वहाँ से पलायन करने लगे, या फिर सैकड़ों मील दूर तक जाना पड़ रहा था लाने के लिए, तो आज ये बच्चे इंडिया में एक बहुत अच्छा सा प्लानिंग बना करके दिखाए हुए हैं कि सभी घरों में अगर ये सिस्टम लगा दिया जाए तो जितना भी हमारे यहाँ पानी वेस्ट होकर के जाके नदियों में जाके गिर जाता है जिसका कोई महत्व नहीं है, फिर वो समुद्र में चला जाता है, ये सभी पानी अगर हमारे घरों में इसी तरह से कंज्यूम कर लिया जाए ग्राउंड लेवल वाटर में, तो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है और गर्मी के मौसम में भी पानी सूखने की समस्या नहीं रहती है। ऑटोमेटिक ऐसे बजेगा, बच्चे ऑन करेंगे, हाँ, तो इलेक्ट्रिक बेल ऑटोमेटिक ये बज रहा है। अगर ऐसे सिस्टम को हम लगाते हैं तो बहुत सारे मैन पावर को कंज्यूम कर सकते हैं, हम बहुत सारे ऑफिस में लगा करके जहाँ बेल बजाने की ज़रूरत है, तो मैन पावर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कंट्रोलर में बच्चे ये एक डिवाइस बनाए हुए हैं। ये डिवाइस जो है कम्प्लीटली इधर से ब्लैक एयर को अगर पास किया जाए, ये ब्लैक जो कार्बन निकलेगा, कार्बन जिसमें पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है, वो इधर से निकलने के बाद में एकदम से प्योर निकलेगा, फ्रेश के रूप में निकलेगा, एयर के रूप में। तो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है इसमें फिल्टर होते जाते हैं। अगर ऐसे सिस्टम जैसे चल रहा है जहाँ से काफ़ी पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, या गाड़ियों के अगर हम साइलेंसर में लगा दें, तो निश्चित रूप से ये हमारे एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कम कर देगा। और सारी समस्या आज उसी के चलते दिल्ली बम्बई उसका उदाहरण तो हम जानते ही हैं, जिसमें बच्चे ये दिखा रहे हैं कि एक कैंपस के भीतर वो सारी फैसिलिटी लाइट के थ्रू इसमें साउंड का ट्रांसफर करेंगे या डाटा का ट्रांसफर करेंगे। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये भी मॉडर्न अभी चल ही रहा है कि वाटर है रिवर में छोड़ने से पहले उसको ट्रीटमेंट करके और तब जाके छोड़ा जाए, तो ये है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान। आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों ने कई तरीके के साइंस से बने प्रोजेक्ट का इसमें दिखाया है, क्या है ये पूरा बताया। देखिए आज का है ये साइंस एग्जीबिशन कम सोशल अवेयरनेस एग्जीबिशन है स्कूल के लिए, जहाँ की बच्चे अपना जितना भी रचनात्मक एक कौशल है उनके भीतर जो एक प्रतिभा छिपी हुई है कि हम भी कुछ बना सकते हैं, दुनिया के सामने छोटे छोटे सामानों से कुछ जोड़ के नया टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वैसे ही क्रम में बच्चे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए हैं जिससे हम ये बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल जो कि आज बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है कि कैसे रिचार्ज किया जाए, तो ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए बच्चे ये बता रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना करके अगर सभी घरों में गवर्नमेंट इस सिस्टम को लॉन्च कर देती है तो निश्चित रूप से ग्राउंड वाटर की समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। दूसरे नंबर में बच्चे इलेक्ट्रिक बेल भी बनाए हुए हैं कि अगर सभी ऑफिस में जहाँ की इलेक्ट्रिक बेल की ज़रूरत है जिसको बजाने के लिए एक आदमी को रखा जाता है तो हमारे इतने मैन पावर का सेविंग हो सकता है इस कंडीशन में। ये स्मार्ट सिटी बच्चे बनाए हैं जो कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री दिखाया गया है बना करके, और स्मार्ट सिटी में वो सारी फैसिलिटीज एक ही सिटी में दी जा रही है ताकि पब्लिक का लाइफ आसान हो सके। दूसरा नंबर इसके बाद में बच्चे बायोडाइवर्सिटी भी दिखा रहे हैं बना करके कि उनके मन में वो सारा सोच है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में कितने तरह के जीव जंतु हमारे अर्थ के ऊपर हैं और किस नेचर में किस कंडीशन में कैसे जीव जंतु सर्वाइव करते हैं। बच्चे ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन भी बनाए हुए हैं ATM कि वो कैसे पैसा उससे निकल रहा है, ये बच्चों की एक बहुत ही अच्छी सोच है। इसके बाद में बच्चे एक लाइफ हाई बनाए हुए हैं, लाइफ फिडेलिटी सिस्टम जो कि वाईफाई का सब्स्टिट्यूट है, ये काफ़ी ही मॉडर्न टेक्निक है जो कि वाईफाई से 10 times ज़्यादा ये कारगर है। और दूसरा नंबर की इससे हम पायरेसी का भी खतरा खत्म हो जाएगा, और हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ की रेडियो वेव का यूज हम नहीं कर पाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ लाइफाई का यूज हम कर सकते हैं कॉल सेंटर में, या फिर जाकर का उद्घाटन स्कूल के संस्थापक शिव कुमार राय ने किया। अपना सर परिचय बता दीजिए। सतीश कुमार राय, प्रिंसिपल रॉयल इंग्लिश स्कूल भकुरा।